थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम एवरीवन, सभी को जय श्री कृष्ण। माई सेल्फ आई एम हेजल पुबारू, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोकार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट और क्रिस्टल हीलर। सर के साथ मैं काफी समय से जुड़ी हूँ। आध्यात्म राज एक मेरी फैमिली की तरह है, जिसके साथ साथ ही मैं ग्रो हुई हूँ। एंड काफी सारे लोग हैं जो मेरे से क्लासेस ले चुके हैं। आई एम अ कंसल्टेंट एंड अ ट्रेनर बोथ। तो आज हम लोग जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आए हैं, ऐसे तो हमारे काफी कोर्सेस हो चुके हैं इससे रिलेटेड, बट एक मैजिकल इफेक्ट देता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, राइट? आजकल जैसे कि सभी को अवेयरनेस है, काफी लोग हैं जो अकल से रिलेटेड है, आप लोगों को पता है। थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव रखना चाहूंगी, तो आप लोग मुझे बताएं कि मोबाइल किस प्लैनेट से आपको क्या लगता है, किससे इसकी कनेक्टिविटी हो सकती है? एनी आइडिया किसी और किसी को भी? राहु देव राइट, हमें पता है। देने वाले भी राहु देव है और वो थोड़े से एक मिस्टिक प्लैनेट है, राइट? बट उनका जो कारक तत्व है आज हमारे लाइफ से किस तरीके से जुड़ा है, 24/7, यस, डे टू डे, फुल टाइम है ना, 24 घंटे हमारे साथ जुड़ा है ना। अगर मैं कहूँ कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं इफेक्टिव है, आप छोड़ दो, क्या आसान है? नो मैम, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल, राइट? तो क्यों क्यों ना हम ये मोबाइल के नंबर को अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर इसे हमारा अलग। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी थैंक यू। क्यों ना ये मोबाइल नंबर को हम ऐसे वाइब्रेशन के ऊपर लेकर जाएं जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ भी सिंक्रोनाइज हो, और जो हमारे प्रोफेशन में भी हमें अपलिफ्ट करने के लिए एक लकी चार्म की तरह एक्ट करे। क्या ये पॉसिबल है? जैसे कि आप लोग, काफी लोग हमारे से जुड़े थे, जो हमारा बहुत ही सुपर डुपर कोर्स हुआ है रिसेंटली, दैट इज न्यूमरोलॉजी। तो सभी को पता है ईच एंड एवरी नंबर हैज अ वाइब्रेशन, राइट? ईच एंड एवरी नंबर हैज अ वाइब्रेशन एंड ईच एंड एवरी नंबर हैज अ पावर टू चेंज अवर डेस्टिनी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? क्या आप लोग एग्री करेंगे मेरे साथ? यस, डेफिनेटली। तो यही अगर नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो, हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हो, जो हमें सपोर्ट करते हो, तो क्या ये चीज हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी? विल इट डेफिनेटली हेल्प अस टू बूस्ट अवर लक? क्या ये शक्य है? यस, डेफिनेटली ये शक्य है, क्योंकि कुछ ही समय में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग आपको एक ग्लांस दूंगी कि कैसे नंबर्स हमारे लाइफ में एक्ट करते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल, मुझे अंजू मैम से बात करनी है, ठीक है, या अतुल लखानी सर से बात करनी है, तो वाया मीडियम क्या होगा? मोबाइल, फोन, राइट? और अगर वो नंबर के द्वारा ही, जो नंबर मैं डायल करती हूँ, वो उनकी आइडेंटिटी की तरह रोल प्ले कर रहा है, वो उनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है ना। अगर मैं अजय सर से बात करना चाहूँ तो उनका मोबाइल नंबर उनका क्या होगा? अगर मैं मेरे फोन में उसके अंदर सेव करूंगी वो, या वो नंबर को मैं डायल करूंगी, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिंग हिज आइडेंटिटी, राइट? और जो चीज हमारे ऑरा में कनेक्टेड होता है 24/7, हमारी आइडेंटिटी की तरह काम करता है, तो डेफिनेटली वो हमारे लाइफ के ऊपर ऐसा गहरा असर देता है कि हम एक मोबाइल नंबर के थ्रू किसी के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नोनली या अननोनली मेरे से बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रितु मैम का मुझे कॉल आया, राइट? और मैंने उनका नंबर देखकर ही कुछ बातें उनको बता दी कि ये, क्या ये है आपकी लाइफ में, ये चीजें हो रही हैं? या फॉर एग्जांपल कोई मेरे साथ कंसल्टेंसी लेने आया, मुझे ना ही उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है, ना ही मुझे उनके कोई और भी बर्थ डिटेल्स पता है, सिर्फ मैं उनके नंबर को देखकर कुछ चीजें बता दूं, तो विल इट गिव अ सॉलिड इम्प्रेशन? यस और नो? यस, राइट, डेफिनेटली इट विल गिव। एंड
कहीं ना कहीं हमको किसी के साथ डील करना ये भी आसान हो जाता है। अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे बिजनेस में भी मेरे को काम। आज एक मोबाइल नंबर फॉर अ कंसल्टेंट जो भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ है तो दैट इज जस्ट लाइक अ ऑफिस ऑफिस डेस्क। वही एक मीडियम है जिसके थ्रू लोग हमारे से कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज हमारे लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि हर एक नंबर के वाइब्रेशन होते हैं, बट कितने बैलेंस्ड फॉर्म में, कौन से प्रोफेशन के साथ कौन सा नंबर किस रूप में हमारे साथ आता है वो चीज हम लोग देखते हैं। आज हम कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के मोबाइल नंबर में ये कॉम्बिनेशन आता है तो आप लोग रेजोनेट कीजिएगा। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग कैमराज ऑन कर दीजिए तो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना सही रहेगा। एंड प्लीज आप लोग रेज हैंड करेंगे, कोई भी अपने तरफ से अनम्यूट नहीं करेगा, राइट। चलिए एक नंबर मैं बताती हूँ, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 36। क्या आपके मोबाइल नंबर में 36 या 63 साथ में आता है? ओके, नो इश्यू दीना मैम। जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो लोग नहीं, बट जो ऑन कर सकता है प्लीज आई वुड लाइक कि आप लोग ऑन करें। किसी का आपके किसी के मोबाइल नंबर में आता है? ओके, आनंद जी कह रहे हैं यस। आनंद जी बताएं, अनम्यूट कीजिए सर। इनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इन लोगों के पास, आनंद जी बताएं क्या लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आते हैं? कोई कोई है ना। और आप बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, नॉलेज जो भी चीज फील्ड में आप हो, वेदर यू आर अ कंसल्टेंट और बिजनेसमैन और व्हाटएवर, यू हैव अ ग्रोड नॉलेज ऑफ द एरिया यू आर वर्किंग इन। यस डेफिनेटली, बट ये नंबर मैंने हाल ही में एक दो महीने पहले ही लिया है। ओके, ये भी एक मैजिकल चीज है कि नंबर्स हमें चूज करते हैं, हम नंबर्स को नहीं चूज करते। हाँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत, क्योंकि एज अ हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं, मोबाइल नंबर सजेस्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, बट आपके साथ जो डेस्टिनी में जुड़ा होगा ना वही नंबर आपको मिलेगा। यस यस यस, राइट। या परफेक्ट, यू मस्ट बी वेरी मच नॉलेजेबल जो भी काम करते हैं उसे। और आप एक रूढ़िवादी, यू इजीली डोंट चेंज योर यू नो वे ऑफ डीलिंग क्लाइंट्स, या जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत इजीली नहीं चेंज होते, नहीं होते। एक रूटीन को फॉलो करना, एग्जैक्टली, राइट, करेक्ट। सिर्फ ये दो डिजिट्स आपके बारे में इतना कुछ बताता है। या राइट, चलिए एक और कॉम्बिनेशन। जस्ट एक बात शेयर करो, ये फोन जब से मैंने लिया है, मतलब दो महीने से ही ये सिम चालू किया था, तो तभी से मेरे को पैरेलल नंबर जो होते हैं ना वो फ्रीक्वेंटली दिखते हैं मोबाइल में या कहीं भी, मतलब टाइम से टाइम में या रेलवे टाइम बोर्ड पे कहीं भी। एंजल नंबर्स जो हम कहते हैं। हाँ, एंजल, बट डबल वन, टेन, 0101, तो इसका क्या मतलब है, कुछ बताएंगे आप? डेफिनेटली, ये जो एंजल नंबर्स दिखना है दैट इज समथिंग यू नो कि एंजल्स आर अराउंड यू, वो कोई एक मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। कई बार हम लोग पजल्ड हो जाते हैं या कहीं लाइफ में स्टक हो जाते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ एंजल थेरेपी, ठीक है। कि बार बार हमें वही चीज दिखना करना, बट अगर ये कॉम्बिनेशन हमारे नंबर में आता है इट डेफिनेटली शोज कि आपको जो भी चीज में आप काम करते हो ना इसकी जबरदस्त नॉलेज होती है आपके पास। हाँ, राइट। एंड दिस में टोटल नंबर इज 7, सो यस, टोटल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। मैं अब पहले कुछ कॉम्बिनेशंस आपको बताती हूँ। और कोई जिसके मोबाइल क्वेश्चन इसके बारे में,
ये थ्री और सिक्स दोनों इकट्ठे साथ में होने चाहिए या आने चाहिए? दस डिजिट के जो हमारे नंबर्स होते हैं, या तो 36 या 63, वाइस वर्सा, ओके, बट वो दोनों पास पास होने चाहिए। यस मैम, आई हैव ओके। क्या चीज रेजोनेट हो रही है आपके साथ? रूढ़ीवादी है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, हाउसवाइफ जो होती है उनके ऊपर भी ये चीज होता है, क्योंकि उनको ना इधर की चीज उधर रखी हुई नहीं पसंद, टाइम से टाइम ये चीज होनी ही चाहिए, राइट? चलिए एक और कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ, दैट इज 5-3 and 3-5। एनीवन, किसी के पास है मोबाइल नंबर में 5-3 या 3-5? हमें, मेरी वाइफ के पास है। ओके, वेरी इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड है, बट लेस मनी सेटिस्फेक्शन। जितना भी पैसा है या जितना भी पैसा शॉपिंग के लिए दोगे तो चीज कम ही लगेगी, ऐसा है सर? वाइफ है तो मेरे ख्याल में सबके लिए शायद एक ही जैसा होता होगा, लेकिन ये नंबर मेरे नाम पर है। ओके, मेरी वाइफ यूज करती है ये नंबर का, मतलब शुरू से ही, लेकिन जब ये लिया था वो नंबर मेरे नाम पर। जिसके साथ जुड़ा होगा वो ज्यादा उसी के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो बेसिकली कंसीडर करना चाहिए ना मुझे कि वो मेरी वाइफ का ही नंबर है, क्योंकि वो ही यूज कर रही है, राइट? और वाइब्रेशंस भी वैसे ही रहेंगे। मैम मेरे हस्बैंड के पास है। ओके, एक चीज और होती है इन लोगों में, वो लोग को खुद का पैसा मांगने में हिचक होती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को अपना पैसा मांगना है या कोई देने का बाकी है, तो उनको है ना वो चीज मांगने में हिचक आती है। जी बिल्कुल सही है, मेरे हस्बैंड के साथ ये है। मैडम ऐसा है, मेरी वाइफ है ऐसा नहीं हिचक आती, ऐसा लगता है मुझे। हाँ वो आप हस्बैंड है इसीलिए आप उनको ऐसा तो नहीं वो होगा, मगर वो मेरे साथ नहीं बैठी है, वो थोड़ा बाहर गई थी, तो उनसे उसी टाइम मैं पूछ लेता है क्वेश्चन का, आज पूछूंगा जरूर। बिल्कुल, लेकिन मैम मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा है कि वो हिचकते हैं पैसा लेने में। हाँ, पैसा लेने में हिचकते हैं बिल्कुल, या खुद की जो भी प्रॉपर्टी होगी ना उनको उसका सुख नहीं मिलेगा। नहीं मिला है पैसा देने में पूछ रहे हो कि लेने में? लेने में, अपना खुद का पैसा लेने में या खुद की प्रॉपर्टी का क्या कहते हैं एंजॉय करना, या वो उनकी प्रॉपर्टी में ही डील करना, उनको नहीं वो सुख नहीं मिलता, वो प्रॉपर्टी का सुख उन्हें नहीं। जी 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 बिल्कुल सही है, राइट? चलिए एक और किसी के मोबाइल नंबर में क्या 4-5 या 5-4 का कॉम्बिनेशन है? यस मैम, 4-5 या 5-4? 4-5 भी है, लास्ट 4-5 है। अच्छा, फैमिली में कोई ऐसी ड्यूटी में या काम में है जो यूनिफॉर्म, जहाँ यूनिफॉर्म यूज होता है? नो मैम। नहीं, ओके। आईसाइट वीक है? हम चारों में से तो नहीं है मैम। या सिस्टर या बेटी को कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू स्पेशली? अभी तक तो नहीं है। ओके, कितने समय से आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मेबी 5-6 इयर्स। ओके, तो फिर ये हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यू, और ये लोग है ना बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग फैक्टर इनके अंदर होता है, किसी भी अनजानी बात में डील कर लेना या रिस्क उठा लेना, जिसके बाद उनको आगे चलकर थोड़ा सा लॉसेस या कुछ डिफिकल्टी या कॉम्प्लिकेशंस डील करना पड़ा, ये चीज उनके अंदर देखने को मिलती है। मेरा ही नंबर है मैम ये। ओके, तो अब क्या करते हैं वैसे इसमें से कोई नहीं, आईसाइट वीक होना या हेल्थ रिलेटेड? मुझे खुद को लग रहा है कि शायद मुझे थोड़े टाइम के बाद दिखाना है। ओके, नहीं ये चीज डेफिनेटली हेल्थ भी अपने आप को हेल्थ इश्यूज मुझे है, राइट?
हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, एक बंधन दोष कहीं ना कहीं ये क्रिएट हो जाता है। और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है या जहां पर अगर फैमिली में कोई ऐसा होगा कि जहां पर है ना यूनिफॉर्म का यूज हो, जैसे एक डॉक्टर हो गया या साइंटिस्ट हो गया या नेवी से रिलेटेड, जहां पे यूनिफॉर्म का काम आता हो, ठीक है, तो वैसे फील्ड से कनेक्टिविटी उनकी जरूर होगी। मैं खुद ही जाने वाली हूँ हॉस्पिटल। राइट, तो हॉस्पिटल से फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये किसी डॉक्टर का या कोई मेडिकल हेल्प या अकल्ट जो हीलर है, जो दूसरों को हील करता है, उनके लिए ये नंबर ज्यादा नहीं प्रॉब्लमेटिक रहेगा, बट अलावा इनके अलावा अगर कोई ये यूज करता है तो उनको उनके एक्सपेंसेस ज्यादा जाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा लगेंगे, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ये दिखाता है। I have 36 also in my number, 36945. ओके, 36 भी आप रेजोनेट कर पा रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, किसी भी नॉलेज को डीपली और क्लैरिफाई वे में उसको गेन करना, एक्सेल करना, राइट? यस, ये चीज हो रही है। ओके, चलिए एक और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन दिखाती हूँ, 7-4 या 4-7। राज सर आप हो? मैडम मेरे पास तो 5-4 भी है, ऑकल्ट में आओगे इसलिए बच गया मैं तो। जी, और आप तो हीलर भी हो, वो भी तभी बच गए ना, हम तो करते हैं। जी, 7-4 या 4-7 का कॉम्बिनेशन? मैम मेरे हस्बैंड का ही है। ओके, किसी भी नॉलेज की तह तक जाना, बिल्कुल रूट तक, किसी ने बोला तो आंख मूंद के फॉलो नहीं करेंगे, डीप नॉलेज या अकल साइंस से कनेक्टिविटी, और अगर ठान लिया कि ये चीज मुझे करना है तो करके ही छोड़ते हैं। Yes, वो पॉजिटिव है। वेरी गुड सर्विस प्रोवाइडर। मेरा तो वैसे भी 7-4 है और 4-7 नंबर में आ गया, डबल डबल 7-4 आ गया। जी, तो ये क्वालिटीज तो राज सर आप सभी रेजोनेट करेंगे। He is a very good service provider. अकल्टिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, राइट? और इन लोगों को है ना एक बात और होती है कि गुप्त विद्या को सीखना इनके लिए एक बहुत बड़ी चाह रहती है। मिस्टिकल साइंस जो होती है ना, हिडन साइंस या मिस्टिकल साइंस, इससे डील करना, ये लर्न करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। शार्प माइंडेड होते हैं बहुत, और है ना एक नंबर की जुगाड़ू होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम दे दो, सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से वो लोग निकाल कर लेकर आएंगे। ये परफेक्ट जा रहा है। आजकल का वर्ल्ड ही ऐसा है, अगर हम जुगाड़ू ना हो ना इंडिया में तो जुगाड़ बेस्ट माना जाता है। अगर नहीं होना तो मैं इतने लोगों को टैकल नहीं कर सकता था। बिल्कुल, तो सबको सेट करना पड़ता है ना जुगाड़ करके। टेक्निकल माइंडेड, गजब के। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये डिस्कस करके ही नंबर लिया था सर, राइट? नहीं मैम, ये जो नंबर लिया था जब मैंने निम्नोलॉजी सीखी थी तो उस समय तो हमें ये नहीं पता मोबाइल निम्नोलॉजी होती क्या, मुझे नहीं पता था। और जब हमें टोटल 5 पे लाना था, मेरा 5 मिसिंग था और 5 पे लाना था, और मैं बाई चांस ले आया, मैं गया 8 वाला का, उन्होंने बोला 5 नंबर बड़े मुश्किल से मिल गया, और मिला 9-2 की सीरीज मिल गई मेरे को। 9-2 भी एक ऐसा नंबर मिला, वो आप बताओगे इसके बारे में मुझे? हाँ, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वही मैं बताने वाली थी। ये चांस की बात है, कहते हैं नंबर अट्रैक्ट करते हैं, नंबर ने खुद अट्रैक्ट किया मेरे को, नंबर खुद आए मेरे पास कि भैया ये नंबर ले लो 5 नंबर, और मुझे उस समय नहीं पता था, लेकिन इसलिए मैंने कहा नंबर्स हमें नहीं, हम नंबर्स को नहीं, नंबर्स हमें ही चूज करते हैं, राइट? कई लोग जो हमारे से कंसल्टेंसी लेते हैं वो लोग बोलते हैं मैम हमें ये नंबर नहीं मिल रहा है, ये कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि नंबर चेंज करके बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, ये मुझे पता था। मेरा जो पहला नंबर था वो तो बहुत ही डेंजरस था, लेकिन कमाया भी लेकिन गवाया भी, तो वो नंबर अभी भी है लेकिन साइड बाय साइड कर दिया हमने और इस नंबर को आगे कर दिया। जी, काफी लोग यही बोलते हैं कि क्या हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये नंबर को चेंज करना, हम काफी समय से इसको यूज कर रहे हैं, काफी जगह ये नंबर दिया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक आखिरी कॉम्बिनेशन और शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि सर ने बोला कि 29 या 92,
किसी के फोन में है दिस कॉम्बिनेशन 29 या 92? जी अंजु मैम। यस मैम, मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के हैं। अरे वाह, फिर तो लॉटरी पे लॉटरी है। ये कॉम्बिनेशन पैसों की कमी नहीं देता, बैंक अकाउंट बिल्कुल फिल अप रहेगा। पर खर्चा भी बहुत होता है। खर्चा होता है पर पैसे की कमी, अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो वो चीज खाली नहीं रहेगी। खर्चा खर्चा जरूर पड़ता है। लक्ष्मी योग कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है, वो कमी नहीं रहती। राइट, तो इट इज ऑल्सो वेरी, देखिए ये क्या मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश, मेरे बोलने की पीछे का अर्थ यही है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे की रिक्वायरमेंट है कि हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग ये वाला कॉम्बिनेशन या ये योगा फॉर्म करके उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को है कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, राइट, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर डिजाइन करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल तो हर छोटे बच्चे भी फोन को यूज करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो कोरोना पीरियड आया था तो एजुकेशन भी बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ चुका है मोबाइल फोन से, और बच्चों के पास भी ये फोन होता है। तो क्या हम लोग ये डिवाइस उनके हाथ में देते हैं, तो कुछ ऐसे खतरनाक कॉम्बिनेशन अगर आ जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा मेजर इश्यू क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉम्बिनेशन में जो हम लोग बच्चों को यूज करने दे रहे हैं उसके अंदर 84 या 48 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो ये चीज उनको एडिक्शन दिलवा सकती है। है किसी के मोबाइल नंबर में 48 या 84? हरजीत, हरजीत मैम। नमस्ते। नमस्ते। हाँ मेरे हस्बैंड के हैं 984। 84 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इजी एडिक्टेड या उनको कोई हेल्थ इश्यू, फॉर एग्जांपल एडिक्शन आई मीन चाय की भी किसी को लत रहती है कि जब तक चाय नहीं जाएगी, या और बबल गम का, he keeps chewing bubble gum right whole day right, कोई ना कोई एक चीज उनके अंदर आदत ऐसी होती है जो उनको बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ती। और ये 84 का कॉम्बिनेशन एक्चुअली मैम वो एडिक्शन पान का था, तो आई सेड वो पान काम नहीं करेगा, ये सब गंदे काम नहीं करना, तो वो पान छोड़ के एक मुंह में कुछ चाहिए तो बबल गम पे आ गया। सो इट्स लाइक अराउंड 10 और 12 मे बी इयर्स वो बबल गम पे ही है। राइट, कुछ ना कुछ एक ऐसी आदत होगी जो वो अभी यू नो स्ट्रांगली फॉलो करते होंगे। और ये है मेरे में 48 है, 48 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कोई हैबिट नहीं है, कोई भी हैबिट नहीं है। हेल्थ इश्यूज कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप मेडिटेशन से जुड़े हैं? नहीं, मेडिटेशन से भी नहीं करता नहीं हूं मैं। ओके, धार्मिक कोई ऐसी इसमें नहीं, कोई एनी प्रैक्टिस विच यू फॉलो? नहीं। तो और भी कोई कॉम्बिनेशन साथ में आता होगा जो इसका, ये क्या होता है कई बार अगर ये नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आ जाते हैं तो वो चीज को इंप्लीमेंट कर देते हैं, बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं। राइट, मेरा भी है 9482। 94 से भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज या सर्जरी होने के चांसेस, या तो फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई विवाद, स्पेशली फैमिली डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी को लेकर, ये कॉम्बिनेशन, ये 94 का कॉम्बिनेशन इसको भी दिखाता है। Excuse me, ma'am. मैडम मेरे में 9212 है। 9212? हाँ जी, 9212 4। 9229 का आपने ज़्यादा explanation नहीं दिया ma'am. You went to the another column. 9229 ये लक्ष्मी योग कहलाता है। ये पैसों के मामले में बहुत ही अच्छा combination। मैम मेरा 97 है। जी एक मिनट, one by one we'll talk upon.
तो मैम मेरा 97 है। जी 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 अमित जी बताती हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस राइट। मेरा फोन में एंडिंग है 92। ओके देखिए मैम ने बहुत एक अच्छी बात की, प्लेसमेंट ऑफ द नंबर आल्सो प्लेज अ मेजर रोल। एक मोबाइल नंबर से हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी एक पर्सन का प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये दिक्कत आएगी या ये चांसेस है, ये कॉम्बिनेशन उनको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो किस एरिया ऑफ हिज लाइफ में वो चीज रिफ्लेक्ट करेगा ये भी हम बता सकते हैं राइट। एंड ये हमारे प्रोफेशन में कितना हमको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 5-4 ये हॉस्पिटल के चक्कर लगवाता है, बट अगर कोई बंदा हॉस्पिटल से ही काम करता है, जैसे डॉक्टर हो गया, मेडिकल लाइन से हो गया, या एक हीलर हो गया जो दूसरों को हील करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन उनके लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा राइट। तो ये कॉम्बिनेशन, ये योगा हमें कैसे फॉर्म करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट। तो किसी भी नंबर को डिजाइन करना, जैसे किसी सर ने अभी पूछा 97 राइट, 97 एंड 79। यस मैम, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड कोई इंफेक्शन या बीपी या जॉइंट पेन्स को दिखाता है, एनीथिंग लाइक दैट अमित सर? नो मैम। घर में बीपी नहीं है? नहीं मैम, मुझे बीपी नहीं है मैम। ओके, ब्लड रिलेटेड इश्यूज को ये शो करता है और सीवियर जॉइंट पेन्स, आपके अंदर है ये कॉम्बिनेशन? मेरा 3 आता, 3 times 97 इन माय फोन नंबर। और ये चीज है, ब्लड में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है मुझे, इसलिए आई हैव सम एलर्जी राइट नाउ आल्सो, इट्स बीन 1 month, बट ये नंबर मेरे पास 15-16 साल से है राइट। तो ये चीज देखो, 3 बारी रिफ्लेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं ये अप एंड डाउन आपके साथ लगी ही रहेगी राइट। और अभी 9250 नहीं, अभी मैंने जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई चीजें मैच कर रही हैं तो ये बताएं। अभी मैंने 92 एंडिंग में आएगा तो क्या मैम वो बोलने, 92 का कॉम्बिनेशन देखिए हर एक प्लेसमेंट के ऊपर डिफरेंट उसके रोल्स आते हैं, दैट इज देयर, बट ओवरऑल हाँ ओवरऑल ये चीजें आपको फाइनेंशियली साउंड रखेंगी। So there is no issue, it is coming in the end of the number, end of the digit. No issue. Okay. Thank you. This is one combination. There are 10 digits, right? Yeah. The total of the number, the combination forming, everything will play a major role. Hello, madam. जी. अच्छे studies के लिए क्या combination होना चाहिए? अच्छा, ये combination मैं आप लोगों को पूछती हूँ। किसी के अंदर है 37 या 73? बच्चों के मोबाइल नंबर में ये कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, 73 या 37। मेरे में है मैम, मेहुल भट्ट। मेरे में भी 73 है मेहुल जी। अच्छा ये जी, मेरे I like to study very much. मुझे बहुत स्टडी करना अच्छा लगता है, बहुत स्टडी करना अच्छा लगता है। मेरे पास बुक आ रही तो एक दिन में फिनिश कर दूंगा मैं। बिल्कुल, हंगर, हंगर फॉर नॉलेज, ये कॉम्बिनेशन को हंगर फॉर नॉलेज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जी मेरे बेटे को है एंड इट्स ट्रू। हायर एजुकेशन के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। मैडम ये मेरे पास सबसे ये नंबर आया आफ्टर बीकॉम 10 ईयर के बाद मैंने ये किया था। मैम ये फर्स्ट हाफ में होना चाहिए या सेकंड हाफ में होना चाहिए मोबाइल नंबर के, ये तो हम लोग डिटेल में क्लास में बात करेंगे सर, क्योंकि नंबर डिजाइनिंग इज यू नो विद द डेट ऑफ बर्थ और उनकी रिक्वायरमेंट, प्रोफेशन, सारी चीज को हमको देखकर उसको प्लान करना होता है। राइट मैम, राइट, थैंक यू सर। बट अगर 37 या 73 इकट्ठा आता है तो ये एजुकेशन रिलेटेड किसी भी चीज में स्टडी के इंटरेस्ट को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर चेंज कर दूंगा 7337 या 3773, ऐसा कोई सिलेक्ट किया तो चलेगा क्या? नहीं सर, हमें और भी काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि उनके डेट ऑफ बर्थ में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है।
इट इज अ कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोसेस राइट। अभी मैंने एक ट्रेंड देखा है लोगों के मोबाइल नंबर में कि वो लोग है ना मल्टीपल 5 या मल्टीपल 6 या मल्टीपल 1 वीआईपी नंबर देते हैं। वीआईपी नंबर है किसी के अंदर मल्टीपल 1 या मैं मेरा है 4 है मेरा भाई मल्टीपल 4 2 है मेरे में मल्टीपल 8 है मेरा मल्टीपल 3 है मैम मेरा मल्टीपल 5 है 3 टाइम्स 5 अच्छा 3 टाइम्स 5 संगीता मैम से बात करते हैं जी संगीता मैम आप क्या करते हो एनी चेंज इन प्रोफेशन नो नहीं जो पढ़ाता उसे रिलेटेड काम करते हो नहीं प्लीज आप लोग म्यूट रखिए तो यू नो मैडम मैंने म्यूट किया है सबको आप एक बार बोलिएगा मल्टीपल 5 अगर किसी के मोबाइल नंबर में आता है दैट इज 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स तो एक बहुत ज्यादा अगर वो कम्युनिकेशन के फील्ड में है देन इट इज ओके वो चीज कंपनसेट हो जाती है वरना चेंजेस इन जॉब या हंगर फॉर मनी मनी माइंडेड बहुत ज्यादा बना देता है। मल्टीपल 5 में कई बार ये भी देखा गया है कि पैसा फंसने के भी चांसेस होते हैं यानी फ्रॉड हो सकता है पैसे के मामले में कोई फ्रॉड हो सकता है राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी के डेट ऑफ बर्थ में भी है और ये मोबाइल नंबर में भी मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो डेफिनेटली उनके इसके अंदर ये प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। मेरे घर में 3 नंबर है जिसमें 3 टाइम्स 5 रिपीटेड है। ओके चेंजेस इन जॉब या चेंजेस किसी भी काम को अधूरा छोड़ना या एक टास्क कंप्लीट नहीं होता है दूसरे पे चले जाना ऐसे सारे ट्रेड देखने को मिलते हैं। चलिए अब ये बताएं कि 6 नंबर किसके अंदर आता है मल्टीपल टाइम्स नंबर 6 मैम मल्टीपल 5 या मल्टीपल 8 से आर्गुमेंट भी होता है बच्चा बहुत ज्यादा बहस बाजी करना मल्टीपल 5 में और मल्टीपल 8 नंबर आ उनके मोबाइल हाँ नंबर 8 अगर मल्टीपल टाइम्स हो गया तो वो बंदे को बहुत ज्यादा अल्कोहलिक बना देता सॉरी वर्कोहलिक बना देता है सॉरी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग या स्ट्रगल्स इन लाइफ को भी इंक्रीज कर देता है और अगर उसके साथ 9 का कॉम्बिनेशन आ गया तो वो बंदे को बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव बना देता है। देखिए हर एक कॉम्बिनेशन या हर एक नंबर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट होते हैं राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के अंदर ये कॉम्बिनेशन हमको देना है आर्ग्यूमेंटेटिव बनाना तो हम किसको दे सकते हैं किसकी फील्ड से ये जुड़ा हो सकता है एडवोकेट लॉयर एडवोकेट राइट। तो ये साइंस हमें बहुत ही अच्छे से ये हेल्प करती है नंबर डिजाइनिंग में कि किस प्रोफेशन के लिए हम किस तरीके से चीजों को कहाँ पर दे सकते हैं कैसे उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैडम आपने पूछा था कि 6 और 444 भी है नंबर टाइम 444 यानी सिर्फ बिजनेस करियर यही सारे थॉट्स आते हैं। मैं तो जॉब में हूँ हाँ करियर सडन हाँ सडन लॉसेस एंड सडन गेन्स या तो फिर सडन जो भी होगा लाइफ में सडन होगा गेन्स भी बहुत हाई देगा और लॉसेस भी हाई दे सकता है और ये लोग बहुत टेक्निकल माइंडेड होते हैं। अगर घर में कुछ चीज बिगड़ गई ना तो एक बार खुद से तो ट्राई करेंगे कि मैं ही सुधार के देखता हूँ। मैडम आपने डबल 6 बोला था या 6 ज्यादा बार उसका बताएं। 6 अगर मल्टीपल टाइम जाता है तो जितना स्पीड में पैसा आएगा उतना ही स्पीड से चला भी जाएगा ऐसा है किसने पैसा ही नहीं आया है अब तक तो जाने का सवाल नहीं आ रहा है अब अच्छा तक। तो वही है कि पैसा है ना अटकेगा ही नहीं आपके पास अच्छा। वो पैसा रुकेगा ही नहीं ओके ओके या अगर आता भी है तो वो चला जाएगा या वो चीज नहीं रहेगी ओके हाँ वो होता है मतलब या तो इन्वेस्ट हो जाता है या तो फिर खर्च हो जाता है वो बात बराबर है
राइट मैम अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई भी एडिट करने का नहीं आता तो ठीक है बंदा प्लीज म्यूट म्यूट कर लीजिए एक बार किसी का माइक में प्रॉब्लम है जो एक बार खोल के बात करके बंद कर दें अदरवाइज कोई फायदा नहीं डिस्टरबेंस होगी सबको राइट तो हम लोगों ने देखा और जाना कि किस तरीके से कोई भी नंबर हमारे साथ जुड़कर जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई क्रिस्टल है या कोई चीज है जो हमारे साथ जुड़कर उसकी वाइब्रेशंस जनरेट करता है तो डेफिनेटली नंबर्स आर आल्सो वेरी पावरफुल ईच एंड एवरी नंबर हैज वाइब्रेशन और इट हैज द पावर टू चेंज अवर डेस्टिनी तो हम लोग डेफिनेटली कोई ऐसे नंबर्स को हमारे लाइफ में इंक्लूड कर लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं मैम यहां पे हमारे के जो गॉड है वो चैल्डन के हिसाब से ही लेना है नंबर 1 सूर्य नंबर 2 चंद्र द सेम वे चाहे जी चाहे देखिए नंबर्स है वो अगर हम चैल्डन के हिसाब से पाइथागोरस के हिसाब से या कबला न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिस किसी के भी हिसाब से लेंगे बट नंबर के जो ट्रेट्स है वो तो वही रहेंगे नंबर 1 आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी बनाएगा डेफिनेटली जो नंबर ट्रेट्स है वो नहीं चेंज होंगे राइट बट जो हम लोग कॉम्बिनेशंस वगैरह देखेंगे दैट इज डिफरेंट बाकी जो नंबर के ट्रेट्स है अभी किसी ने पूछा कि मल्टीपल अगर 9 है तो मल्टीपल अगर 9 है तो डेफिनेटली वो बंदे के पैसे फंसेंगे ही फंसेंगे या तो अगर किसी ने उसको उसने किसी को लोन दिया है या उसने किसी से लोन लिया है वो चीज रिलीज नहीं होगी इवन मल्टीपल 9 है तो एज वी थिंक दैट मंगल के जैसे सेनापति वाला मंगल के यस बट ये चीज हम लोग डायरेक्ट वे में नहीं इनडायरेक्ट वे में ऐसे कनेक्ट होगा क्योंकि देखिए जो नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में है वो हमसे डायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं राइट और ये जो नंबर आएंगे कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट वे में जुड़े होंगे अगर मेरे पास वो नंबर की क्वालिटीज है तो ये नंबर की क्वालिटीज किस वे में और किस बैलेंस फॉर्म में मुझे लेना है ये चीज हम सीखेंगे राइट अगर मल्टीपल 1 आता है बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बंदे के ऊपर राइट और कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट कर देता है अगर नंबर 1 मल्टीपल टाइम्स में आता है तो डेफिनेटली उसकी प्लेसमेंट भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगी तो इस कोर्स के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं कैसे हमको एक नंबर को डिजाइन करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर किसी वे में क्योंकि आप सभी मेरे से एग्री करेंगे अ परफेक्ट हस्बैंड और वाइस वर्सा परफेक्ट वाइफ मिलना इज अ इम्पॉसिबल फैक्ट राइट तो हमें जैसा नंबर चाहिए डेफिनेटली वो पूरा 100% हमें अगर नहीं मिलता है तो किस चीज को कहां पर हमें कॉम्पनसेट करना है मेरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मुझे कैसे नंबर को डिजाइन करना है कौन से नंबर्स को मुझे इंक्लूड करना है आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी जो कस्टमर केयर वाला नंबर होता है बेसिकली वो क्या होता है 1800 ज्यादातर 1818 जो 8 नंबर होता है काफी लोग मेजर तौर पे ये कह देते हैं 284 नहीं लेना बट अगर मल्टीपल 8 जहां पे आता है ना तो वो बंदे के पास भी बहुत पैसा होता है बट उसका प्लेसमेंट और बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है कुछ एंजल नंबर्स भी इसके अंदर हम लोग क्रिएट करके हमारे नंबर में एड ऑन कर सकते हैं और इन केस अगर नंबर चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो कैसे हम हमारे मोबाइल नंबर में कोड्स यूज कर कैसे कुछ और रेमेडीज कर वो चीज को हम लोग कैसे हमारे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो द थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स राइट तो इट इज अ मैजिक क्वेश्चन है मेरा जी जी हम लोग जैसे न्यूमरोलॉजी करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज होती है मेरे पास एक मोबाइल नंबर है जो मेरा पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है
और वो हमें बाद में पता चला कि वो नंबर ठीक नहीं है, तो उसकी रेमेडी मोबाइल से होगी या किसी और तरीके से करनी है? देखिए हम लोग पहले तो देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर में क्या गुड कॉम्बिनेशंस एंड बैड कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने डिस्कस किया तो कुछ लोगों ने एग्री किया और कुछ लोगों ने एग्री नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसकी ऑटो रेमेडी हो रही है, राइट। जैसे हम लोग एज अ वास्को कंसल्टेंट हम लोग बोलते हैं कि एरिया ऑफ द डिफिकल्टी के ऊपर ही हमें काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज उसको नहीं इफेक्ट कर रही तो हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट अगर जैसे बच्चों को हमें नंबर देना है या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड ये नंबर हमको डिजाइन, अगर मैंने देखा कि ये मोबाइल नंबर में ज्यादा ट्रेड्स ऐसे आ रहे हैं जो नुकसानदायक है, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल नंबर दे रहा है कि रिलेशनशिप इश्यू रहेगा या हेल्थ इश्यू रहेगा या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, या तो फिर उसके डेट ऑफ बर्थ के एंटी ही जा रहा है वो नंबर, तो कितना भी कर लेंगे तो उसको उससे फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली ये सारा जो एंटी या प्रो नंबर्स है वो डेट ऑफ बर्थ से ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर वो मेरी आइडेंटिटी से या मेरे से जुड़ा है तो वो मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करना ही चाहिए। जैसे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कैसे हमारा नेम हमारे लिए मैजिकली काम करता है अगर वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, करेक्ट, राइट। क्योंकि आजकल जैसे फैमिली मेंबर्स अगर चार है तो चारों के पास फोन होगा, दैट इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट। तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होना, दैट इज द फर्स्ट रूल। अगर वो चीज एंटी है तो वो आपको सपोर्टिव वे में काम नहीं करेगा, राइट। मैम ट्रिपल नाइन का क्या बताया आपने? ट्रिपल नाइन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देता है और मनी फंसने के स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। अगर वो लोन लेते हैं या लोन देते हैं तो उसके फिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैम मेरा मोबाइल नंबर 4 बार 2 आता है। ओवर इमोशनल बना देता है, इनडिसिसिव, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, राइट। 5-2 का कॉम्बिनेशन। हेलो हेलो जी बोलिए। मैम 5-2 का कॉम्बिनेशन मेरे फोन में है। 5-2 का कॉम्बिनेशन ये अकल्ट के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप 5-6 भी है। 5-6 कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, बट 5-2 कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर अकल्ट। मैम 5-5 9-8 का, राइट। 9-8 का मैं बता चुकी हूँ। तो ऐसे काफी सारे हम लोग कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं। मैंने बता दिया। देखिए ऐसा है कि ये अगर सबके नंबर लेते हैं, इस समय हम 66 पीपल हैं, हम 2 माइनस करते 64 लोग हैं। सबके कॉम्बिनेशन अगर आप जानने हैं अपने कॉम्बिनेशन, तो हमारे आने वाले सोमवार से हमारे कोर्स आ रहा है 5-6 दिन का नॉर्मली रखेंगे। और ये कैसा कोर्स होगा, अभी तो हम खाली पेयर देख रहे हैं ना, उसे बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें ग्रिड बनाया जाएगा, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी देखी जाएंगी, मैडम बताएंगे इसके बारे में भी। और थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूँ उसके बारे में। मैं कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हम जो सीखने जा रहे हैं वो कब से होगा, क्या होगा, कितने का होगा। एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है और सेम कोर्स सेम 3,500 रुपये में भी हो रहा है कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वही चीज़ उससे कहीं ज़्यादा बेटर, बिकॉज मेरे तो मैम बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में। जस्ट 1500 रुपीज़ का हम लोग ये कर रहे हैं 17 तारीख से और शुरू हो रहा है। क्लासेस हमारी फर्स्ट हाफ में होंगी, फर्स्ट हाफ हमारा होता है 7:15 बजे के आसपास, ठीक है। तो ये कोर्स हमारा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसमें जो नंबर लिखा हुआ है पेमेंट नंबर एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और नीचे मेरा नंबर लिखा है, सॉरी ये पुराना आ गया, नीचे मेरा नंबर लिखा है, आप वो नंबर देख सकते हैं। उस पर आपने कोई भी क्वेरी करनी है मेरे नंबर से क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, परमानेंट आपके पास रहेंगी, उसका कोई लिमिट नहीं है। कि कई लोग बोलते हैं कि 1-2 महीने रिकॉर्डिंग रहेंगी, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेंगी। पीडीएफ पूरी मिलेगी, प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, पूरा ग्रिड समेत, एक एक ग्रिड का एक एक खाना, जैसे हम लोग लोशो ग्रिड बनाते हैं ना, वैसे इसमें भी ग्रिड बनेगा। वो सारी चीज़ें अभी इसमें हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये सारा प्रॉपर एक पीडीएफ बना के हमने रखा हुआ है,
और एक इसका प्रॉपर एक सर्टिफिकेट भी जाएगा। इसमें बेसिक और एडवांस नहीं होता कभी भी, इसमें प्रॉपर एक कोर्स चलेगा 5 दिन का, उसमें बेसिक और एडवांस एडवांस ही एक तरीके से ऊपर कोर्स नहीं होता, ठीक है। ये एक अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसी साइंस है कि इसको भी सीख लेना चाहिए, बिकॉज ऐसा है कि जिस घर में हम रहते हैं, ठीक है, घर हम साथ में द्वारा नहीं ले सकते, मोबाइल फोन तो ऐसा ना कि इसके साथ एक मोबाइल फोन ले सकते हैं, तो एक अच्छी रेमेडी करके, अच्छे चेंजेस करके हम लोग अच्छा नंबर चूज करके अपने लाइफ में अबंडेंस लेके आ सकते हैं। ये मेरे साथ हुआ, मेरा भी एक नंबर 25 साल से जो अभी भी है मेरे पास नंबर था, अब मैं पैरेलल चला रहा हूँ, उसके पहले के एक नंबर, जब से मैंने वो नंबर रखा नया नंबर 920 सबको बताया, उस नंबर रखने के बाद से अध्यात्म राज की शुरुआत हुई थी। अध्यात्म राज का जन्म तभी हुआ था जब मैंने वो नंबर लिया, क्योंकि उस नंबर में वो वाइब्रेशंस थी, वो मनी अट्रैक्ट, मनी कैसे आएगी, मनी कर्म करने से आएगी ना। फिर हमने कर्म करने शुरू किए, अध्यात्म राज खड़ा होता गया, खड़ा होता गया, खड़ा होता गया, और आज की डेट में अध्यात्म राज इतना फैल गया, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हर हर फील्ड से पैसा आ रहा है। पहले होता था कि अटकता था, रुकावटें आती थी ना, तो पैसा भी हर जगह से आ रहा है, सेहत भी बढ़िया है, बाय चांस बाय डिफॉल्ट कह लो ये नंबर हमें बहुत अच्छा मिल गया। लेकिन जब हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी तो हमें पता लगा कि हमारे घर वालों के नंबर भी कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू, मतलब बच्चों के हिसाब से मैंने नंबर लिया, अपनी वाइफ का नंबर भी अपने हिसाब से लिया। तो ये नंबर आप एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, हर फोन पे दो सिम लग जाते हैं नॉर्मली ना, और तो एक आप एक्स्ट्रा नंबर लेके उसको आप चलाएंगे, वो हम बताएंगे आपको कैसे यूज करना है कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपने ये सारा स्क्रीनशॉट देख लिया होगा, तो अगर आपको लगता है तो हम वेलकम करते हैं आपका हमारे से मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर। और हेतल मैम ऑलरेडी लगभग अध्यात्म राज के प्लेटफॉर्म में, जहाँ तक मुझे याद है, कोविड से हम लोग लगातार कोर्स ले रहे हैं, 5 से 6 कोर्सेज हम ले चुके हैं, ठीक है। तो काफी सक्सेस गए हैं जिन जिन लोगों ने नेम न्यूमरोलॉजी एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके अपने आप को सक्सेस में जो जो अप्लाई किया है, डेफिनेटली सक्सेस मिली है। धन्यवाद। यस मैम, अभी क्वेश्चन आप ले सकते हैं लोग। जी, ये बहुत ही एक अच्छी मैजिकल मास्टर रेमेडी की तरह काम करता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर दिए हैं दैट आर गॉड गिफ्टेड, राइट। ये जो नेम नंबर है और मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर इसीलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे ऑरा के साथ 24/7 कनेक्टेड होता है, राइट। तो ये एक रेमेडी की तरह काम करता है कि किस तरीके से हम जो मिसिंग वाइब्रेशंस के नंबर हमारे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं वो इस मोबाइल नंबर के द्वारा कर सकते हैं। जी रमा मैम, आपको एक क्वेश्चन है, आपको इसके टाइमिंग पर प्लीज रेज हैंड करें। मल्टीपल 5, बट अगर मेरा नंबर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर मल्टीपल 5 आता है, बट इस चीज को मैंने क्यों चूज किया, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा जो काम है दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, मेरे जो डेट ऑफ बर्थ में वो चीज कैसे रोल, वो नंबर कैसा रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो ये सारा कुछ किसी एक बंदे के लिए, ये हम लोग कोई भी थंब रूल नहीं बना सकते कि 777 इज मैजिकल या मल्टीपल 5 इज नॉट वर्किंग फॉर एवरीवन, ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिफर्स फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ, राइट। हमारा शाम को 7:17 लगभग 7:15 शाम के लाइव होगा ये, इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1500 रुपए का, ये नंबर दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इजी हो जाएगा, बाकी ग्रुप पे सारी डिटेल आएगी वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वन आवर क्लास है यस, 1 to 1:15 क्वेरीज, डिपेंड ऑन द क्वेरीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, बट 1 से 1.5 घंटे तक का क्लास होगा। तो 5 घंटे में बेसिकली हमें समझ आ जाएगा कि मोबाइल, डेफिनेटली इसके अंदर मैं रफली आप लोगों को एक कोर्स का कंटेंट बता देती हूँ। हम लोग नंबर के वाइब्रेशंस देखेंगे, कौन सा नंबर कैसे हमको यूज करना है, राइट, कौन से योगास फॉर्म होते हैं, कौन सा ग्रिड है जिसको हम फॉलो करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन है,
कैसे मल्टीपल नंबर्स के इफेक्ट होते हैं, जीरो का क्या रोल होता है मोबाइल नंबर में, किस तरीके से हम नंबर को एनालाइज करेंगे, रीडिंग ऑफ द नंबर, अगर हमको नंबर किसी को डिजाइन करके देना है तो किस चीज को हम लोग को कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना है, डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे उसको मैच करना है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कैसे इनको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी को, राइट, एंड प्रोफेशन, अगर किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हमको नंबर डिजाइन करना है तो कौन से प्रोफेशन के लिए कौन से कॉम्बिनेशन सुटेबल है, ये हम देखेंगे। बैटिंग नंबर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो वाला हम पढ़ेंगे कि बिल्कुल नंबर देखकर ही आप किसी के बारे में फटाक से कैसे बोल सकते हो, ये सारी चीज इसके अंदर हम लोग सिखाएंगे। बाकी जो रेमेडीज इन केस अगर कोई हमें 100% दैट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, कहीं हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो रेमेडीज के द्वारा, वॉलपेपर के द्वारा कौन सी चीज है, कौन से डायरेक्शन, क्या चीज हम यूज करके और उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए कोर्स के टाइमिंग या इसके ऊपर आप लोग मत जाइए, इट मे ऑल्सो एक्सटेंड, प्रैक्टिस पूरी मैं करवाऊंगी आप लोगों को, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है, राइट। हेलो मैम, मेरा एक सवाल है छोटा सा मैम, एक्चुअली 7:15 जो है मेरा ऑफिस से आने का ट्रांजिट टाइम है, अराउंड घर आते आते 8:30 हो जाते हैं रोज का, तो मैं ये मतलब how can I participate? सर इसके अंदर क्या होता है ना, एज यू नो कि हमारे रेकी के क्लासेस डेली होते हैं जिसका टाइमिंग है 9:00, तो दिस इज द स्लॉट विच इज अवेलेबल, राइट, तो टाइमिंग तो यही रहेंगे 7, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 7 बजे कर सकते हैं थोड़ा अर्लियर, बट 9 बजे से तो हमारे रेकी के क्लासेस चालू हो जाते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, रिकॉर्डिंग देख के आप कर सकते हैं। जी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, व्हाट्सएप का सपोर्ट ग्रुप है, वहां पर हम लोग कनेक्ट रह सकते हैं। और भविष्य में मतलब मान लीजिए मैं लाइव क्लास अटेंड ना कर पाऊं, रिकॉर्डिंग्स के ऊपर स्टडी करूं, और मुझे कुछ दुविधा होगी, तो क्या व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप या आपसे संपर्क करके उसका निवारण हो पाएगा? डेफिनेटली हो पाएगा सर, हो जाएगा, व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप भी रहेगा, इसके प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएंगी, जैसे सर ने कहा कि लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा जिसको, राइट, तो वो सारी ही चीजें। भूपेंद्र जी बोल रहे हैं आप, आई थिंक भूपेंद्र जी? यस सर, यस सर। एक बार कैमरा ऑन कर लेंगे अच्छा लगेगा। आई थिंक आप फर्स्ट टाइम अध्यात्मराज के किसी प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहे हैं या वेबिनार ले रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है, राइट? यस सर, एक मिनट। कोई बात नहीं सर, मजा आएगा। एक्चुअली देखिए सर, एक बार ये हम लोग ना क्या है, फेविकॉल का जोड़ है, ठीक है, एक बार आप ले लेंगे ना, फिर आप छोड़ के नहीं भागने वाले, और ना हम आपको भागने देंगे, और आपका हर क्वेरी का सवाल दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है टाइम का, कोई प्रॉब्लम आप हमें नहीं, हम आपको भागने नहीं देंगे सर, कहीं कोई कहीं नहीं भागेगा, हम कह रहे हैं फेविकॉल का जोड़ है, हम फेविकॉल है, आप ही आके चिपक जाते हमारे साथ में, तो जितने भी लोग बैठे हैं स्माइल दे रहे हैं, देखो सबके चेहरे पे स्माइल आ गया, देखो अंजू जी हंस रही हैं, अजय जी हंस रहे हैं, ये इतने कोर्स कर चुके हैं हमारे साथ, इतने कोर्स, और ये बता सकते हैं अभी ये लोग मेरे साथ है, मैं क्लास ले रहा था एडवांस न्यूमरोलॉजी, तो वो भी उसमें भी थे, और सबकी क्वेरीज हैंडल की जाती है, और मजा आता है हम लोगों को ना, थोड़ा सा मजा आता है, क्योंकि मेरा तो ये मानना था कि आई एम 24/7 अवेलेबल, लेकिन हितल मैम का, क्योंकि बींग ए फीमेल, घर के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फिर भी मैं कहूँगा मेरे साथ जुड़े हुए लगभग 2 साल हो गए, फिर 2 साल अध्यात्मराज को खड़े हुए हैं अभी तक, और शुरू से जुड़े हैं, और हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जवाब देती हैं। ये जो चीजें है ना लगभग 70-80% कनेक्ट होती है, जो लोग कह रहे हैं ना नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, हम अभी नहीं तो थोड़े देर बाद हो जाएगा, अभी नहीं तो थोड़े दिनों के बाद वैसे हो जाएगा। Definitely सर, हो भी जाता है या उसकी ऑटो रेमेडी भी हो जाती है, राइट? तो ये भी सारी चीजें हमें अच्छा लगता है सर, नए लोग जुड़ते हैं ना, नए लोग जब आते हैं हमारे पास हमें अच्छा लगता है, पुराने लोग तो जुड़ चुके हैं, हम तो चाहते हैं नए लोग आए, वो भी लोगों को लेकर आए, आपको भी किसी ने बुलाया होगा, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उनका भी जिन्होंने आपको हमारा लिंक दिया, दीपक राज सर चले दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग हमारे राज भैया अध्यात्म राज में मैग्नेट जो है Yes, 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 yes.
बिल्कुल बिल्कुल देखिए ऐसा है ना कि ये सब हमारे गुरुजी का मानना था जितना दोगे उतना मिलेगा। और रियली बताऊं मैं एक प्रॉपर बिजनेसमैन होता था पहले, पैसा पैसा पैसा, लेकिन जब हमने देना शुरू किया ना लोगों को, ज्ञान बांटना शुरू, ज्ञान आया प्लस पैसा है ना बाय प्रोडक्ट अपने आप आता है अपने आप। आज हमारे तीन तीन बैच चल रहे हैं, अभी मॉर्निंग में एस्ट्रोलॉजी का बैच था, शाम फर्स्ट हाफ में शाम के टाइम हमारा एक बैच चलता है, रात को 9 बजे दूसरा बैच चलता है, लगातार तीन बैच चलते हैं हमारे। तो ये ऊपर वाले की और आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। ठीक है सर, थैंक यू। मैम कुछ क्विक टिप्स देंगे मैजिकल नंबर कॉम्बिनेशंस के? डेफिनेटली सारा कुछ रहेगा, मंडे से सब कुछ मिलेगा आपको, मंडे आप ज्वाइन हो जाओ सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना मैम, डबल फाइव अगर रहता है तो उसका क्या होता है? डबल फाइव और नाइन है, कोई भी कॉम्बिनेशन जो होता है ना बैलेंस फॉर्म में अच्छा है, अति से मति होती है राइट, अगर वो मैक्स मैक्सिमम में चला जाएगा तो डिसबैलेंस क्रिएट होना। और जैसे आपने 95 का बोला तो एक और कॉम्बिनेशन में बता देती हूँ, जिसके भी मोबाइल नंबर में 95 या 59 आता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो भी होगा मुंह पे बिल्कुल मक्खन लगा के बात करने की आदत नहीं होती है इनके अंदर। मैम मेरा है और बिल्कुल सही कह रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, मेरे और मेरे हस्बैंड के मोबाइल में दोनों में 9595 है, मैंने आपको भेजा है। वी आर स्ट्रेट ऑन द फेस, वी विल नेवर हाइड एनीथिंग राइट। और कई बार है ना रिश्ते दूसरों से टूटने का कारण भी यही होता है, 100% उसकी वजह से ही हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को लगता है हम बहुत सचोट है, बट एक्चुअली दैट इज अवर नेचर, वी डू नॉट लाइक टू wear a face and talk to somebody else, ऐसा है। दिल के सच्चे होते हैं, बट मुंह में जो आएगा वो बोलेंगे जरूर, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग है। हेजल मैम जो नंबर है, ये जो नंबर है ये बेसिकली जब हम सीखेंगे आपसे तो आप हमें नंबर्स बताएंगे कि उनके कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि ये ऐसा कैरेक्टर क्यों बना। राइट एग्जैक्टली, देखिए हर एक नंबर का एक रोल होता है राइट, और पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी नंबर को मैं ऐसे नहीं जस्टिफाई कर सकती कि वो खराब है, किसी भी नंबर को ये बेस्ट है राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ट्रेड्स होते हैं। अब कौन सा नंबर किसके साथ बैठकर क्या रोल प्ले करता है तो उसके मीनिंग्स अलग हो जाते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हम लोग बहुत ही क्लीनली फिर आप लोगों को एक दो मैं सिखाऊंगी, बाकी के आप खुद ही बताने लगो कि हाँ इसके साथ ये मिलकर ऐसा चीज देगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के डेट ऑफ बर्थ में 102 आता है या 2N1 आ रहा है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं। मैम रिपीट, पार्डन पार्डन, 1 या 1N2 या 2N1 दे आर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। मैम बोथ में डिफरेंस क्या होता है 1N2 और 2N1 में? वाइस एंड वर्स का डिफरेंस थोड़ा सा होता है, डेफिनेटली डिटेलिंग हम क्लास में सीखेंगे, बट बहुत ही मजेदार साइंस है। किसी को जाने बिना, किसी के डिटेल्स लिए बिना, सिर्फ एक नंबर को देखकर हम लोग काफी सारी चीजें बोल सकते हैं। एक कंसल्टेंट के लिए तो ये बहुत ही श्योर शॉट कॉम्बिनेशन हो जाता है। दूसरी बात, हम लोग हमारे लाइफ में भी बहुत ही अच्छे से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है राइट। आई होप आप लोगों को 9-8 मैम 9-8 कॉम्बिनेशन। सॉरी मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था जी। जब हम लोग ये आपसे कोर्स करेंगे और उसके बाद में जब हमारा कोई क्वेरी आएगा तो उसका हैंड होल्डिंग भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं बाद में, क्योंकि मेरी क्वेरी आई तो उसका हैंड होल्डिंग कौन, मेरे को कौन गाइड करेगा? व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हमारे होते हैं। आई थिंक सर दिस इज द 5th मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स, अभी भी मेरा पहले वाला ग्रुप भी एसिटी ही है। ओके। और वो लोग बहुत अच्छे खुशी से शेयर भी करते हैं कि मैम हम लोगों ने ये किया, ये नंबर डिजाइन किया और उनको ये पॉजिटिव ट्रेड्स मिले। जो हमारे पहले दूसरे बैच थे ना हमारे, जो पहले दूसरे बैच थे उसमें से भी काफी लोग टीचर निकल चुके हैं, टीचर टीचिंग कर रहे हैं आज की डेट में, वो खुद ही पढ़ाते हैं और एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। हम लोगों ने नहीं पढ़ा ना, हमने भी सीखा और लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता ना, जो हम लोग डीप में जाके उसको मतलब उसको रिसर्च करते हैं तो जब जाके निकल के आती है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो
नहीं आएगा, तो उसमें से भी कई लोग टीचिंग कर रहे हैं आज के टाइम, लोगों को सिखा रहे हैं, तो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। वो इंटरेक्टिव ग्रुप रहेगा कि आप एडमिन राइट लेके सिर्फ एक तरफ से मैसेज डालेंगे, मैं वो जानना चाहता हूं। जी जी, आई थिंक आप भी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, आपका स्वागत है, आप चिंता मत करो, 100% जुड़ूंगा आपसे सर, आइए आइए, मोस्ट वेलकम। प्रोफेशनल कोर्स मैंने किया है तो इसके साथ में तो एडवांटेज ही है मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली है। अगर आपको लगे कि यार पैसा वसूल नहीं हुआ तो पैसा मैं रिटर्न करने की गारंटी भी देता हूँ, और बताओ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं लर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचेंगे भी नहीं, आपको मजा बहुत आएगा। और सब जब हमें पता लगता है ना, हमें मेरे को भी अभी पता है एक नंबर अभी लेना है, तो मैं थोड़ा सा और रिकॉल कर रहा हूँ अपने आप को, फिर मैं एक नंबर और लूंगा अपने लिए। बहुत जल्दी आप लोग मेरा एक नया नंबर और देखेंगे अभी, ठीक है? चलिए, थैंक यू। मैं 9-8 का कॉम्बिनेशन बताइए ना, 9-8 का कॉम्बिनेशन बंदे को बहुत ही हाईली नॉलेजेबल डेफिनेटली होते हैं, बट आर्ग्यूमेंटेटिव बना देते हैं, कि एक लॉयर के कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिंग कॉम्बिनेशन होता है, वो बंदे को बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव लॉजिकल हेड्स पे, ठीक है, किसी भी बात को उनको है ना प्रूव करना, बहुत उसके अंदर अपनी एनर्जी बहुत लगाते हैं। 9888 अगेन किसी भी नंबर की अतिमति होती है, हमें देखना पड़ता है कि किस बैलेंस फॉर्म में वो आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो आया है। मैम 98 का कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होता है? हेल्थ डेफिनेटली हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आता है इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही एक इंटेंस नंबर है। आपको अगर न्यूमरोलॉजी का थोड़ा पता होगा तो 9 और 8 दोनों ही इंटेंस नंबर है, तो अगर ये इसके साथ और भी कोई नेगेटिव नंबर या कुछ और ऐसे ट्रेड्स आते हैं तो डेफिनेटली वो सर्जरी या हेल्थ इश्यूज को भी डिकोड करता है। मैम 00 या 11? I welcome all of you to the mobile numerology course. I feel कि आप लोगों को ये वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग लगा, चीजें रेजोनेट हुई होगी, एंड द क्यूरियोसिटी इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि चीजें आप लोगों के साथ को रिलेट हो रही है, राइट? तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, एंड मोस्ट वेलकम टू द कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th April. सो दिस वॉज देयर फ्रॉम माई साइड। ओके सर, आई होप वी नीड टू जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वेबिनार एक ना इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, आपके क्वेश्चन के आंसर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे और आपको 12 बजे तक बैठे रहे, मुझे पता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी या कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो चाहे नॉर्मल न्यूमरोलॉजी हो, क्वेश्चन निकलते रहते हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार भी जुड़ा है, क्योंकि हमें अपने से ज्यादा अपने बच्चों की ज्यादा चिंता रहती है ना, तो हम बच्चों के बारे में पूछेंगे, अपने बारे में पूछेंगे, हस्बैंड के बारे में पूछेंगे, वाइफ के बारे में पूछेंगे, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपका स्वागत है हमारे मंडे को होने वाले प्रोग्राम के अंदर, राइट? मिलते हैं डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू मैम।